अलिफ लाम इंसान। सरकार, मैं आपकी इज्जत की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं सरकार। ठीक है, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो? सरकार, वो अर्ज ये थी कि अगर चंद दिनों तक नाजी बीबी के लिए कोई उनकी शान के मुताबिक कोई वर नहीं मिलता तो मेरा बेटा बासित हाजिर। अगर कोई गलती हो गई तो मैं माफी मांगता हूँ सरकार। नहीं कादर अली, तुमने अपने नमक का हक अदा कर दिया है। हमारी इज्जत बचाने के लिए अपने दिल का टुकड़ा पेश किया है। समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं सदके सरकार, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है सरकार, आपका दुख मेरा दुख है। मैं आपको परेशान नहीं देख सकता सरकार। वो ना मैं इस काबिल हूं, ना मेरा खानदान, ना मेरा घर। हम तो आपके पैरों की खाक हैं, लेकिन बासत पढ़ा लिखा है, शरीफ है, अब तो कॉलेज में नौकरी भी मिल गई सरकार। ठीक है, मैं मलकानी से बात करूंगा, फिर अपना फैसला सुनाऊंगा। अरे मालिक, ले भी आप, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रख दी चीजें इस पे। अच्छा याद है कितना धुतकारते थे आप हमें, और अब देखिए निगार बेगम की जगह हम इस कोठे की मलिका बन गए। इंसान जो कुछ पाने की तमन्ना करता है ना, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत जरूर पूरी करता है। और फिर क्या? फिर इंसान को अच्छी तरह पता चलता है कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। हम आपके मेहमान और आपको हमारी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चमन बेगम छोड़िए, हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा की है। का बासत अली, मैंने मलिक साहब से तेरे और नाजी बीबी के रिश्ते की बात की है। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो बड़ा खुश हुए, वो मेरी तारीफ करने लगे, कहने लगे कादर अली तुमने मेरा बड़ा एहसास किया है। मैंने कहा मलिक साहब इसमें ऐसी क्या बात है, अरे आपकी इज्जत की खातिर तो जान भी कुर्बान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, फिर क्या कहा उन्होंने? वो कहना क्या था काका, वो तो बड़ा हैरान हुए,
उनको उम्मीद नहीं थी मुझसे इतनी बड़ी बात की, लेकिन मैंने बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा मलिक साहब आपकी और हमारी हैसियत तो में तो बहुत फर्क है, हम तो आपके पैरों की मिट्टी के बराबर भी नहीं, लेकिन मेरा पुत्र बासित जो है ना, बासित अली, वो पढ़ा लिखा है, शरीफ है, बरसरे रोजगार है। वो तो ठीक है अब्बा जी, और क्या कहूँ उन्होंने? वो मलकानी से बात करके जवाब देंगे, लगता है जवाब ना में ही आएगा। वैसे तू नाजी बीबी से प्यार करता है, सच सच बताइए है? जी हाँ, लेकिन आपकी इज्जत की खातिर खामोश था। काका आप भी खामोश ही रहना है, ये समीना और अपनी माँ से जिक्र नहीं करना। अच्छा हाँ ठीक है। शाहजेब साहब जी फरमाइए। आपको निगार बेगम याद है? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, उनसे मुलाकात के एक लम्हे ने मेरी जिंदगी को दागदार बना दिया है। शायद आपको इल्म नहीं कि वो आपसे कितना इश्क और कितनी मोहब्बत करती थी। मतलब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वो जिंदगी के आखिरी लम्हा तक आपको नहीं भूला। आज तक उन्होंने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की थी जितनी वो आपसे करती थी, लेकिन आपने बहुत बेरुखी दिखाई। मैंने कभी उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था और ना ही कभी कोई इकरार। किसी से मोहब्बत करना इंसान के बस में नहीं होता, ये तो खुदा दिलों में डालता है। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत कर नहीं सका। एक दबाए सारी जिंदगी किसी ऐसे मर्द का इंतजार करती जो उसे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत दे सके, और शायद निगार बेगम को आपने वो मर्द दिखाई दिया था मगर आपने उन्हें धुतकार दिया। जिस तरह आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रहे हैं, काश कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आए जिसमें आप ठुकराए जाए, तब आपको एहसास हो कि मोहब्बत में ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है, क्या होती है उसकी अजियत। शायद इसलिए मुझे निगार बेगम की बदुआ लग गई। बदुआ? कैसी बदुआ? परेशानी ना ले, तेरे लिए ठीक नहीं है। परेशान कैसे ना हूं मलिक साहब, नाजी की शादी रुक गई है, तरह तरह की उंगलियां उसे किरदार पे उठेंगी, तरह तरह के सवाल उठेंगे, किस किस सवाल का जवाब दूंगी। अल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर कर देगा। कितना अच्छा समझा था शाहजेब को हमने, किसी का कुछ पता ही नहीं होता, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही। वाक में कादर अली मेरे पास आया था। उसने हमारी परेशानी देखकर अपने बेटे बासित का रिश्ता पेश किया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं मलिक साहब आप? देख बासित बड़ा
अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा है, बचपन से लेकर जवानी तक हमारे सामने शीशे की तरह साफ है, अपने घर का बच्चा है, अच्छा है। हाय हमारे नसीब, अब मजारे के बेटे हमारी बेटी का रिश्ता मांगेंगे? ना मलिक साहब ना, इतनी बेइज्जती नहीं, कभी जूता भी सर पे रखा गया है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। हक में इतनी जज्बाती ना हो, कादर अली ने बड़े खुलूस से हमारी इज्जत बचाने के लिए ये पेशकश की है। मलिक साहब, क्या उनकी ऐसी हैसियत है कि वो हमारी लाडों की पली बेटी को अपने घर की बहू बनाए? मलिक साहब, कभी कम ख्वाब में टाट का पेवर नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, फिर तू आंखें बंद करके शाहजेब से शादी कर दे। भाई आज के लड़कों का क्या पता, ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। कम से कम बासित को हम जानते हैं, हमारे सामने बड़ा हुआ, शरीफ बच्चा है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, हैसियत नहीं है, इस शादी के बाद उसकी हैसियत भी हो जाएगी। लगता है मलिक साहब, आपने बासित के साथ रिश्ता तय करने का तहैया कर लिया है। देखा कि मैं बासित में मुझे कोई खामी नजर नहीं आती, भाई पुश्तों से उनका खानदान हमारा वफादार है। ठीक है, ठीक है मलिक साहब, जैसे आपकी मर्जी। शायद शायद इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी हो। अल्लाह खुशियां दे, लंबी उम्र करे तेरी। मलिक साहब आप, हाँ हाँ आप बात करो ना जी। बेटा हम तुमसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं आज। जी अम्मा। देखो बेटा, शाहजेब की हकीकत खुलने और रिश्ता टूटने के बाद हम बहुत परेशान हो गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने से दिनों में हम कहां और कैसे रिश्ता ढूंढें। लेकिन अल्लाह ने हमारी बड़ी मदद की है। हाँ पुत्र, बस अल्लाह ने रहम किया है उन पर, अल्लाह ही बचाने वाला है, इज्जतें रखने वाला है पुत्र, क्या बताएं। लेकिन पुत्र दरअसल कादर अली ने अपने बेटे बासित के लिए तेरा रिश्ता मांगा है। देख हम जानते हैं हैसियत में वो नहीं है तेरे बराबर, लेकिन शरीफ बच्चा है। देखो बेटा, शाहजेब से तो ना दिल डर गया है, आजकल तो किसी का भी एतबार नहीं है कौन कैसा है। हमें तो पुत्र तेरी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। हाँ मैं इतना जानता हूँ कि बासित तुझे खुश रखेगा। बेटा अगर तू राजी है तो हाँ कह दे। आपकी मर्जी अम्मा, आप मेरे लिए अच्छा फैसला ही करेंगे। ओए पुत्र, तूने तो कुछ कर दिया मेरी जान। इधर आ, इधर आ मेरी जान, हमारा मान रख लिया इसने बात मान के, हैं? अल्लाह खुशियां दे तुझे। जी जी जी, हमारी बेटी का बड़ा अच्छा नसीब है। आज सदा सुखी रहो, खुश रहो। आज तक उन्होंने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की थी जितनी वो आपसे करती थी, लेकिन आपने बहुत बेरुखी दिखाई। एक दबाए सारी जिंदगी किसी ऐसे मर्द का इंतजार करती जो उसे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत दे सके। और शायद दिकार बेगम को आपने वो मर्द दिखाई दिया था, मगर आपने उन्हें धुतकार दिया। जिस तरह आप हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर जा रहे हैं, काश कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा हो जिस
आप ठुकराए जाए तब आपको एहसास हो कि मोहब्बत में ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है, क्या होती है उसकी अजियत। शाहज़ेब बेटा, क्यों उसके गम में अपनी जान को हलकान करते हो बेटा? नहीं माँ जी, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या बोझ है तुम्हारे दिल पर, बताओ मुझे। कुछ नहीं। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ कि क्या बात है। कितनी अजीब बात है मां, जिस चीज को मैं अपनी गलती नहीं समझता था वही गलती मेरे लिए सबसे बड़ा साथ बन गई। एक बदुआ, एक कसक। क्या मतलब? माँ मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दोस्त जबरदस्ती मुझे कोठे पे ले गए। वहां पर एक तवाइफ ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और मैं उसकी मोहब्बत को वहां से धुतकार के चलाया। उसने मुझे एक बदुआ दी थी। बदुआ? कैसी बदुआ? यही कि जिस तरह मैं उसकी मोहब्बत को धुतकार के जा रहा हूं इसी तरह एक दिन मेरी मोहब्बत भी कोई धुतकार के चला जाएगा। और देखिए नाज़नीन भी वही कर रही है मेरे साथ। अब आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। शायद उस तवाइफ का दिल वाकई ही टूट गया बेटा। तुम जाकर उसे माफी मांग लो। मां वो मर गई है, मर गई है। ओ मेरे खुदा। मां जी आप मुझे बताएं मैंने कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है मैंने? नहीं, तुमने अपने किरदार को संभाला है बेटा, कोई गलती नहीं की। तो फिर किस चीज की सजा मिल रही है मुझे? ये सजा नहीं है, आजमाइश है। कैसी आजमाइश? देखो बेटा, कभी कभी एक नेमत किसी के लिए खुशी होती है तो दूसरे के लिए आजमाइश बन जाती है। और मोहब्बत, मोहब्बत से बढ़कर कोई तकलीफ दे आजमाइश नहीं होती बेटा। खुदा मेरी मोहब्बत को क्यों आजमाइश में डाल रहे हैं? सोना भी तो कुंदन बनने के लिए भट्टी से गुजरता है। अल्लाह की क्या मसलहत है, उसे सब्र और खामोशी के साथ बर्दाश्त करो। आप ही बताइए मैं क्या करूं। तुम कल ही मलिक हशमत के पास जाओ, उन्हें अपने सच की वजाहत दो। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, वरना हमें भी अपनी इज्जत बहुत अजीज है। क्या मतलब? नाज़नीन को भुलाने की कोशिश करना। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखो बेटा, इंसान जिस मोहब्बत को अपना सब कुछ समझता है अल्लाह उसी से उसको आजमाता है। और ये बात याद रखना कि अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें जरूर मिलेगी,
वरना वजह बताई तो थी। वजह कुछ भी हो, हम इस कमरे में नहीं रहेंगे। फौरन, फौरन जाइए। जी, हम इंतजाम करते हैं। आप जहां भी चली जाएं, हम आपके अंदर ही रहेंगे। आपके गुनाह की तरह। नहीं। जहाँ जाना चाहती हो जाओ। मुबारक हो, हमारी मोहब्बत कामयाब हो गई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई आ जाएगा, जाओ यहाँ से। करूं, हमारी शादी होने वाली है। क्या मलिक साहब मान गए? कैसे ना मानते, मैंने चाल इतनी गहरी चली थी। चाल क्या मतलब? शाजिए के किरदार को ऐसे पाश पाश किया कि वो खुद सकते में आ गया होगा। पागल हो गई हो तुम, ये क्या किया तुमने? जाओ यहाँ से। क्या हो गया बासित? मेरी बात सुनो बासित, 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 बासित। कहा था ना कि नाजी ने हार माना सिखा ही नहीं, हमारी मोहब्बत जीत गई। अब शाहजेब वो हार गया है। मैं इतनी खुशी मैं बता भी नहीं सकती तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरी। बासित, उम्मीद नहीं थी वासु। तेरा अब्बा कहता था हमारी जमीन जायदाद हमारी औलाद है, ये शमला ऊंचा करेगी हमारा। हमारा बासित पढ़ लिख के हमारा शमला ऊंचा करेगा। ये शमला ऊंचा किया तुमने, ये इज्जत दी हमें। शर्म से डों मार, डों मारी शर्म से। माँ मेरी बात तो सुने। चुप हो जा तू। इससे तो अच्छा था तू इलम हासिल ही ना करता, जाहिल कवार मिट्टी के साथ मिट्टी बांध के रहता तो अच्छा था। दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? मर क्यों नहीं गए हम लोग? मर क्यों नहीं गए? जमीन पर नहीं है। हमारे दिल में है। आओ बैठो यहाँ। शुक्रिया सरकार, बहुत मेहरबानी सरकार, आपने याद फरमाया। हाँ,
हमारी बात हुई है मलकानी से, उन्हें भी बासित के साथ रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। सरकार, आपने हमें इस काबिल समझा सरकार? ऐसी बातें मत करो कादर अली, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है, तुमने मेरी इज्जत की रखवाली की है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकता हूँ। नहीं सरकार, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप माई बाप है सरकार, आपका हुक्म सर आंखों पे, आपकी इज्जत की खातिर तो जान पे चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं सरकार। मेरी बेटी नाजी बहुत खुशकिस्मत है, उसको तुम जैसे लोगों का पुरखलूस घराना मिल रहा है। नहीं नहीं सरकार, मैं बहुत खुश हूँ, ये तो मेरी खुशनसीबी है, बासित की खुशनसीबी है जी। लड़के ओ मिठाई ला, अब जाओ और घर जाकर ये खुशखबरी सुनाओ हैं? और बासित और नाजी के रिश्ते का बाकायदा ऐलान हम कल करेंगे, और साथ ही निकाह। जैसे आपकी मर्जी सरकार, आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह खुशियां मुबारक करे। आमीन आमीन। बस ये ना किया कर। जी जी बस जी, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो गया? मुझे बासित के पास जाकर उसे कुछ नहीं बताना चाहिए था, पता नहीं अब क्या होगा। क्या बात है मलिक साहब, खैर तो है? मैंने कादर अली को बासित के रिक्शे ही हाँ कर दिए। देख ले मलिक साहब, कहीं शरीके में नाक नीची ना हो जाए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे ये तो सोहेल है। बैठो भाई। रजिया, और रजिया बाहर आ, खुशखबरी तो सुन। ये किस खुशी में? पहले मुंह खोल, पहले बात बताओ। मलिक साहब ने बासत और नाजी के रिश्ते की हाँ कर दी, और उसी हाँ की खुशी में ये मिठाई भेजी। ये मुझे नहीं मंजूर ये रिश्ता। मैं तुम्हारी कहती नहीं, तबाह खराब है तेरा, उन मलकों के रिश्ते को इनकार कर रही, तेरी जुर्रत कैसे हुई? औकात देख अपनी। काती तो देख रही, इसलिए तो कह रही हूँ। मलिक साहब को तो कोई इतराज नहीं है। पर मुझे इतराज है। खबरदार, खबरदार जो कोई ऐसी वैसी बात निकाले, वो देख पलिए लोगे, वो मलिक साहब पहले ही शाहजेब की वजह से परेशान है, तूने नया स्यापा डाल दिया। और मलिक साहब को नहीं पता कि उनकी इज्जत के साथ खेल खेला जा रहा है। आजी बीबी शाहजेब के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है, बदनाम कर रही है उसको, ताकि वो तेरे पुत्र से ब्याह कर सके। काका बासत, इधर आ। क्या ये सच है? अब्बा जी, मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं पता। नाजी बीबी का दिल आ गया इस पर, वो इसको हासिल करने के लिए हर हर बार इस्तेमाल कर रही है। कादर बख्श, हमारी आजमाइश का वक्त आ गया है। हम नमक हलाली करें या नमक हरामी, ये फैसला तुम्हारे हाथ में। अच्छा
आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पुत्र कर बात, क्या बात है? मैं शाहजेब के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। बैठ पुत्र। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। देख पुत्र, मैं उस बद किरदार आदमी के बारे में ना कोई बात करूंगा ना सुनूंगा। लेकिन आप मेरी बात तो सुने। पुत्र, तेरी बात सुन के तो हमने उससे बात की थी। मैं तो नहीं जानता था कि वो तवायफों के कोटों पे जाता है। मैं अब भी उसके किरदार की कसम खाता हूँ। ले, आपको गलत फहमी हुई है। अब पुत्र, जो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं तवायफ के कोठे पे जाता हूँ, उसके बावजूद कोई गुंजाइश रह जाती है? हाँ। ले, क्या मतलब है तुम्हारा? मलिक साहब, हुआ यूं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग की, क्योंकि शाहजेब ने तो आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। हमने मजाक में उसको वहां ले जाने का सोचा, मगर इत्तेफाक से मैं नहीं जा सका, और मेरे दोस्तों ने बताया कि वहां पे किसी तवायफ का दिल उस पर आ गया, लेकिन शाहजेब ने उसको धुतकार दिया। आप मेरा यकीन करें, शाहजेब बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है, वो निहायत ही नेक और शरीफ इंसान है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मलिक साहब, क्या ये शाहजेब की अच्छाई नहीं? वो अपने मुंह से इस बात का इकरार कर रहे हैं, वरना बद किरदार इंसान तो अपने ऐब छुपाता है। मलिक साहब, सुहेल सही कह रहा है, ऐबदार इंसान कहां ऐसी बातें बताते हैं। अगर आपने शाहजेब से रिश्ता तोड़ा तो अंजाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शाहजेब के साथ रिश्ता रखना या तोड़ना अब मेरी भी इज्जत का मामला है। सब क्या हो रहा है? लगता है शाहजेब ये बाजी जीत रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आसिफ फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं उसे घर में क्या हो रहा होगा। तुमने क्या किया? काका तो तुम्हार के जैसा नहीं था। मैंने क्या किया अब्बा जी? तुमने अपनी औकात भुला दी है। नहीं अब्बा जी, मैंने अपनी औकात हमेशा याद रखी। सादे कितना याद रखी है? औकात याद रखी होती तो नौबत यहां तक पहुंचती। खुद इस खेल में शामिल है। नहीं अब्बा जी, मुझे कुछ नहीं पता। नाजी खुद से मुझसे मोहब्बत करने लगी, मैंने कितनी बार उसको समझाने की कोशिश की, मगर बस करते मासूद अली, बस करते। और हमें बेवकूफ ना बना। मैंने खुद शहर जाके तुझसे पूछा और तू साफ मुद करोगे, पर तूने खुद मुझसे कहा कि तू उसे दिल से चाहता है। बस मैं उसकी मोहब्बत में बेबस हूं। मत कर बकवास, मेरी शहर की बातें नहीं चलती यहां, शर्म और हया की बातें होती है। तो क्या मोहब्बत करना बेहयाई है? अगर वो मोहब्बत किसी के इत्माद का खून करे। मलिक साहब तो राजी हो गए,
फिर आप दोनों को क्या इतराज? इतराज मोहब्बत पे नहीं, धोखा देने पे। वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ओ भाई हमसे नहीं होती इतनी बड़ी नमकरा भी। तुम्हारे लिए ना तो हम बेगैरत कहला सकते हैं ना नमक हराम। तू चल मेरे साथ। कहाँ? मलिक साहब के पास जा के उनके पैर पकड़ के तुम माफी मांग। ओ नहीं अब्बा जी, हर किसी ने नाजी खुद को मार डालने की। ऐसी औलाद मारी जाए तो अच्छा है, जो माँ बाप की इज्जत को ऐसे उछाले। देख काका, देख अगर तेरे नसीब में है ना वो तुझे मिलेगी। है तू चाह मेरे साथ? मैं नहीं जाऊंगा। पर अच्छा अगर तू ना गया तो फिर मैं मलिक साहब से तेरी तरफ से खुद हाथ छोड़ के माफी मांगी। लेकिन एक बात याद रखना काका, आज से तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए मर गया। अलिफ़ अल्लाह इंसान।